मैं तो सगों कल जो मेरे को आए थे मैं उन्होंने कहा मैं हूँ तो सौखा काम है कि तुम बादल परिवार के भी चहेते हैं बादलों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल भी तुहाडे तालुकात आ ते हुण ते सेवा संभाल मैं ही अड़िका सीगा विच मेरे हुंदिया उन्होंने सेवा संभाल नहीं सी देनी चाहुंदे करमजीत सिंह दा जथेदार हरप्रीत सिंह नाल तालमेल आ श्रोमणी कमेटी नाल तालमेल आ बादल परिवार नाल तालमेल आ ते महंत करमजीत सिंह नूं बनाया ही शायद तां गया वा कि उन्होंने कि वह सेवा संभाल के जी और लै लेंगे मेरे तो वध यही योग्यता मैनूं तां नज़र आउंदी उन्होंने हरियाणा सरकार नूं मैं अपील कीती है कि हरियाणा सरकार जल्दी वार्डबंदी करके 40 हलकों की वोटा बना के जोड़े योग्यता रखते हैं वोट के उन्होंने वोटा बनाई जान तो जल्दी जोड़ा इलैक्शन भावें 6 महीनों च साल च जदों भी जल्दी तो जल्दी एक कोरम पूरा करके जिसमें चोन कमिश्नर भी ला दते एच एस भल्ला साहब जस्टिस और इस तरह गुरद्वारा कमिश्न के जोड़े जज वो भी लगा के ते कार्रवाई जल्दी तो जल्दी जी संपूर्ण की जाए ये जी एडहॉक है जिवें पहला सरकार ने बनाई सी 2014 से इस तरह हुण हरियाणा सरकार ने एडहॉक बनाई है जो सिख संगत चुन के भेजनगियां असल मैंबर तो वो जोड़े संगत वोटा पा के चुने जाएंगे तो वो वास्ते मैं हरियाणा सरकार को अपील करनी चाहता कि वह तुरंत जी कानूनी कार्रवाई में पूरा किया जाए। सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के दरमियान रेड़का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट वालों वक्री कमेटी नूं मानता दी गई है जिस तों बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कई सवाल खड़े किए कि हरियाणा की वक्री कमेटी की की लोड़ पै गई तो हुण इस कमेटी का प्रधान भी थाप दिता गया महंत करमजीत सिंह ये प्रधान बने हुए हैं तो दूजे पासे एक जड़ा चेहरा है सिख आगू ने जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल वह भी पूरी तरह सरगर्म नज़र आ रहे हैं तो हुण उन्होंने भी वड्डे सवाल खड़े किए ने। उन्हां दा कहना है कि हुण तां कमेटी बन चुकी है हरियाणे दे विच असीं उहदा सहयोग भी करते हैं हालांकि मैंबरां नूं लैके सानूं थोड़ा जिहा इतराज़ जरूर है पर उहदा हुण प्रबंध हरियाणा कमेटी के हाथ के आ जाना चाहिए यानी कि जिन्हें भी गुरद्वारे गुरुधाम हरियाणा के उन्हों का प्रबंध हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन हो जाना चाहिए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को अधिकार छड़ देने चाहिए ने। देखो ये चर्चा तो संगतों के बहुत है कि जी सेवा संभाल क्यों नहीं ली जा रही जो 2.5-3 महीने हो गए फैसला आए न एडहॉक भी बन गई एग्जैक्टिव भी बन गई तो सेवा संभाल क्यों नहीं ली जा रही पर जी संगत दियाँ चर्चावान ने ये जड़ा है केंद्र आवाजे खलक नगाड़ा है खुदा जी खलकत की आवाज़ आ संगत की आवाज़ आ वो कोई सच्चाई भी नज़र आती क्योंकि महंत करमजीत सिंह बनाने वास्ते जथेदार अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने भी जोर लाया 3-4 दिन पहला उन्होंने नाल महाराष्ट्र वालों घूमते रहे प्रोग्रामा दे विच तो उन्होंने भी हुण मैं तो सगों कल जो मेरे को आए थे मैं उन्होंने कहा मैं हुण तो सौखा काम है कि तुसी बादल परिवार के भी चहेते हैं बादलों नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल भी तुहाडे तालुकात आ ते हुण ते सेवा संभाल मैं ही अड़िका सीगा विच मेरे हुंदिया उन्होंने सेवा संभाल नहीं सी देनी चाहुंदे हुण तुहाडे दे विच ते कोई रुकावट नहीं होनी चाहीदी जिहड़ी हरियाणे दे सिखां दी लड़ाई लड़ी है असीं और हरियाणे दे सिखां नूं हक दवाया वा ये कानूनी तौर ते भी मानता जिहड़ी आ लई आ असीं लड़ाई लड़ के तो हुण तां इह रुकावट जिहड़ी होनी नहीं चाहिए सेवा संभाल वास्ते ही तो सारा कुछ किया जे सेवा संभाल ही नहीं लैनी तो फिर बाकी रह की जाता सो इस वास्ते सानू भी जिहड़ा है कई तरह दियां ही असीं सलाह मशवरा करना ये संगतां दे दिमाग विच गल खटक रही है कि वाकई सेवा संभाल जिहड़ी उह लई नहीं जाणी पर मेरा जिहड़ा मनना मैं समझदा कि शायद हुण सेवा संभाल सौखी मिल जाऊगी क्योंकि महंत करमजीत सिंह दा जथेदार हरप्रीत सिंह नाल तालमेल आ श्रोमणी कमेटी नाल तालमेल आ बादल परिवार नाल तालमेल आ ते महंत करमजीत सिंह नूं बनाया ही शायद तां गया वा कि उन्होंने कि वह सेवा संभाल जिहड़ी उह लै लैणगे मेरे तो वध यही योग्यता मैनूं तां नज़र आउंदी उन्हां च इह वध योग्यता कि उन्हां दा तालमेल जिहड़ा सी बादल परिवार नाल श्रोमणी कमेटी नाल ते इधर सारा तो वह कुछ मैं नहीं सी कर सकता जिहड़ा महंत करमजीत सिंह कर सकता इस करके उन्होंने तो मैं समझदा कि वह जिहड़ी सेवा संभाल उहदे च देरी नहीं होनी चाहिए वह तो हुण जल्दी तो जल्दी सेवा संभाल जिहड़ी उह लई जाणी चाहिए और यह महंत करमजीत सिंह ते भी डिपेंड करदा कि उन्होंने सेवा संभाल लैण दे विच उह देरी क्यों कर रहे हैं यह उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है उन्हां दी एग्जैक्टिव चुनी गई है तो वह गलबात करके तालमेल करके जिहड़ी सेवा संभाल आ उह लैण मैं तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपील कर सकदा कि उन्होंने हुण हरियाणे के सिखां का हक जिहड़ा वा
वो देना चाहिए। हरियाणे दीआं सिख संगतां नूं अपील करदा कि वह कमर कसे कसण तैयारियां करन। हरियाणा सरकार नूं मैं अपील कीती है कि हरियाणा सरकार जल्दी वार्डबंदी करके 40 हलकियां दी वोटां बना के जिहड़े योग्यता रखदे आ वोट दे उहनां दीआं वोटां बणाईआं जाण ते जल्दी जिहड़ा इलैक्शन आ भावें 6 महीनिआं च साल च जदों वी जल्दी तो जल्दी इह कोरम पूरा करके जिवें चोण कमिश्नर भी ला दित्ते आ HS भल्ला साहब जस्टिस और इस तरह गुरद्वारा कमिश्न के जिहड़े जज उह वी लगा के ते कार्रवाई जल्दी तो जल्दी जिहड़ी आ संपूर्ण की जाए तां कि हरियाणे दीआं सिख संगतां खुद अपने मैंबर जिहड़े आ वोटां पा के चुण के इस प्रबंध वास्ते भेज सकन, क्योंकि ये जिहड़ी अडहॉक है जिवें पहलां सरकार ने बनाई सी 2014 च इस तरह हुण हरियाणा सरकार ने अडहॉक बनाई है। जदों सिख संगतां चुण के भेजणगियां असल मैंबर तां उह जिहड़े संगतां दे वोटां पा के चुणे जाणगे तां उहदे वास्ते मैं हरियाणा सरकार नूं अपील करनी चाहुंदा कि उह तुरंत जिहड़ी कानूनी कार्रवाई नूं पूरा कीता जावे तां कि हरियाणे दीआं सिख संगतां अपनी वोट दा इस्तेमाल करके अपने इतिहासक गुरु घरां दे प्रबंध नूं सुचज्जा करन वास्ते चंगे योग जिहड़े मैंबर आ उहनां नूं चुण के भेजण ते सारे मैंबर साहिबान जिहड़े अडहॉक च बनाए गए आ हरियाणा सरकार वल्लों मैं उहनां नूं अपील करदा कि उह आपो अपनी जिम्मेवारी जिहड़ी आ उह निभाउण, आपो अपने हलकियां दे विच सहयोग दे के वार्डबंदी करवाउण, वोटां बनाउण ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।